तो गाइस यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि हमने ना टैंक की लाइट को भी ऑन कर दिया है। तो गाइस अगर आप भी ऐसा करना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा देखना, तभी आपको पूरी चीजें समझ में आ जाएंगी। तो वीडियो को देखते रहना एंड सीख के जाना कि आखिर ये कैसे करते हैं। हेलो गाइस, कैसे आप लोग? वेलकम टू माय न्यू इंडियन बाय ड्राइविंग 3D वीडियो। तो गाइस आज ना हम दोबारा से अपने सब्सक्राइबर्स के मिथ को लेकर आ चुके हैं। तो चलो यार उनके मिथ को ट्राई करते हैं और देखते हैं कौन से मिथ कंफर्म है और कौन से बस्ट है। तो वीडियो को देखते रहना एंड वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो। भाई ये क्यों बोल जाते हो यार, वीडियो देते हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो। तो प्लीज गाइस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, दोनों चीजें कर दो जल्दी से एंड हम अपने मिथ को ट्राई करते हैं। तो हमारा पहला मिथ है पुलिस स्टेशन की सेकंड फ्लोर पर स्टिकी बॉम्ब फेंको और स्टिकी बॉम्ब बड़े हो जाते हैं। तो चलो गाइस यार इस मिथ को ट्राई करते हैं, देखते हैं गाइस क्या सच में यार स्टिकी बॉम्ब बड़े हो जाएंगे। तो चलो यहाँ पर ना हम पुलिस स्टेशन पर आ चुके हैं और ये रहा हमारा सेकंड वाला फ्लोर। चलो गाइस यहाँ पर ना अपने स्टिकी बॉम्ब फेंकना स्टार्ट करते हैं और देखते हैं गाइस बड़े होते हैं या फिर नहीं। तो गाइस यहाँ पर आप लोग देख सकते हो हमारा जो कार्य है वो चालू हो चुका है, पर भाई हमारे जो स्टिकी बॉम्ब है वो ज्यादा ऊपर तो नहीं जा रहे, पर भाई यहीं पर अटक जा रहे हैं। और आप लोग गाइस देख सकते हो हमारे जो स्टिकी बॉम्ब सच में भाई बड़े होना स्टार्ट हो चुके हैं, और भाई ये वाला तो काफी ज्यादा खतरनाक बड़ा हो चुका है। गाइस मेरे को नहीं पता कि और भी आगे कितने बड़े बड़े ये होने वाले हैं। तो आप देख सकते हो जितना ही मैं फेंकते जा रहा हूँ उतना ही ये बड़े होते जा रहे हैं। ये देखो गाइस कितने बड़े हो गए हैं ये, भाई ये वाला तो बहुत ही दूर तक चला गया है। और अगर पीछे साइड में देखें तो गाइस ये इधर से ना भाई नीचे घुस गया है जमीन में, और भाई इस पुलिस स्टेशन के पूरा बीच से आ चुका है। तो काफी खतरनाक मिथ हो चुका है एंड ये जो मिथ है ये मिथ कन्फर्म्ड है। तो हमारा दूसरा मिथ है पहले 40-40 के चिट कोड से आपको टैंक मंगाना है और फिर उसके साइड में एक गाड़ी को मंगवाना है और फिर दोनों पर एक साथ बैठना और फिर आपके टैंक का लाइट ऑन हो जाएगा। तो चलो गाइस इस मिथ को ट्राई करते हैं और देखते हैं गाइस क्या इस मिथ को ट्राई करने के बाद भाई हमारे टैंक का लाइट ऑन हो जाएगा। तो यहाँ पर ना हमें सबसे पहले भाई टैंक को स्पॉन करने पड़ेगा। तो यहाँ पर ना 40-40 डायल करने के बाद हमारा टैंक आ चुका है और यहाँ पर हमने एक कार को भी स्पॉन कर लिया है। तो चलो गाइस इन दोनों पर एक साथ बैठते हैं और देखते हैं गाइस क्या मैजिक को होने वाला है। तो गाइस यहाँ पर नाइट भी कर ली है हमने, तभी तो हमको लाइट दिखेगी। और यहाँ पर ना गाइस हम ना दोनों पर बस बैठ ही चुके हैं। और गाइस यहाँ पर भाई साहब यार मैंने नहीं सोचा था भाई गाइस इन मिथ को ट्राई करके हम सच में भाई अपनी लाइट को ऑन कर सकते हैं। भाई ये देखो गाइस आपको ना सामने भाई हमारी लाइट को ऑन दिख रही होगी, आपको लाइट जलते हुए, और भाई हमारी जो बुगाटी की लाइट है वो ना भाई इसके अंदर आ चुकी है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो गाइस इसको ना हम कितनी बार चाहे इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं, और अगर हम अपनी भाई टैंक को चलाते हैं तब भी ये लाइट जलती ही रहती है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ऐसे करके ना भाई हम अपने टैंक में भी लाइट को ला सकते हैं। तो काफी खतरनाक मिथ हो चुका है एंड ये मिथ भी काफी ज्यादा अच्छा था और ये मिथ भी कन्फर्म्ड है। तो गाइस हमारा तीसरा मिथ है पहले आपको जेसीबी स्पॉन कर लेनी है और फिर आपको टार्जन कार स्पॉन कर लेनी है, फिर एक या दो मिनट में मैजिक होगा। तो गाइस यहाँ पर ना हमने दोनों व्हीकल को स्पॉन कर लिया है और मुझे नहीं लगता गाइस एक दो मिनट में मैजिक होने वाला है ऐसे ही। तो मुझे ना भाई बैठना ही पड़ेगा इन दोनों के ऊपर बैठ के ही देखते हैं, क्योंकि ऐसे तो भाई कोई मैजिक नहीं हो रहा है। तो चलो गाइस यहाँ पर ना हमारा कैरेक्टर जो है वो टार्जन के अंदर बैठ चुका है, पर गाइस ग्लिच जो है वो दोनों में लग चुकी है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो गाइस अभी तो ना कोई खतरनाक वैसे मैजिक हुआ नहीं है। तो गाइस मुझे लगता है गाइस यहाँ पर आपको थोड़ा थोड़ा दिख रहा होगा गाइस इसका जो गेट है वो ओपन हो चुका है। तो मुझे लगता है गाइस यही थोड़ा बहुत मैजिक जो है ये हो चुका है इसके अंदर एंड और कोई ज्यादा खतरनाक मैजिक तो नहीं हुआ जैसे कि भाई 112 में मिथ में हुआ था, तो इसमें तो ऐसा मैजिक नहीं हुआ है। तो मुझे लगता है गाइस यही मैजिक है एंड ये जो मिथ है ये मिथ भी कन्फर्म्ड है। तो गाइस हमारा चौथा मिथ है मून ग्रेविटी, लगाकर स्टिकी बॉम्ब को ऊपर की तरफ फेंको तो होगा मैजिक। तो चलो गाइस इन मिथ को ट्राई करते हैं और देखते हैं गाइस ऊपर फेंकने के बाद हमारे भाई स्टिकी बॉम्ब के साथ क्या होने वाला है। तो यहाँ पर ना इस मिथ को हम ट्राई करने के लिए आ चुके हैं एंड अब निकालते हैं भाई अपने फोन को और यहाँ पर ना हमें लगाना पड़ेगा मून ग्रेविटी का चिट कोड, और अब फेंकते हैं गाइस स्टिकी बॉम्ब को ऊपर की तरफ और देखते हैं क्या होता है। तो गाइस यहाँ पर हमने एक स्टिकी बॉम्ब को फेंक दिया है और आप लोग देख सकते हो भाई वो स्टिकी बॉम्ब ना भाई काफी ज्यादा दूर चला गया यार, और भाई कितनी दूर जाकर गिरा हुआ है। और भी काफी ज्यादा स्टिकी बॉम्ब फेंकते हैं, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो भाई काफी ज्यादा दूर जा रहे हैं, और भाई यहाँ पर ना बहुत स्लो जा रहे हैं। आप लोग देख सकते हो मैं ना फेंकने के बाद इतनी दूर आ चुका हूँ और अब जाके ये नीचे गिरे हैं।
तो काफी ज्यादा सही मिथ है एंड ये मिथ मेरे को भाई नहीं पता था, तो ये मिथ जो है ये मिथ भी कंफर्म्ड है। तो हमारा पांचवा मिथ है मून ग्रेविटी लगाकर हम किसी भी गाड़ी को आरपीजी से फोड़ते हैं तो बहुत ही ऊपर जाती है एंड उसके जो पार्ट्स हैं वो उससे भी काफी ज्यादा ऊपर जाते हैं। तो चलो गाइस इस मिथ को ट्राई करते हैं और देखते हैं गाइस आखिर जो हमारी कार है वो कितनी ऊपर जाएगी। तो यहाँ पर ना मैंने कुछ कार को स्पॉन कर लिया है एंड इन्हीं को हम फोड़ने वाले हैं और देखते हैं ये आखिर कितनी ऊपर जाने वाली है। और गाइस हमारा जो मून ग्रेविटी का चीट कोड है वो भी लग चुका है, तो चलो अब इसको फोड़ते हैं। और भाई यहाँ पर आप लोग देख सकते हो बुगाटी को फोड़ने के बाद भाई यहाँ पर ये मून ग्रेविटी लगा हुआ है तो काफी ज्यादा ऊपर गई है। और अब भाई दूसरी कार को फोड़ते हैं अपनी। और गाइस यहाँ पर ना हमने भाई वो जो एनपीसी कार को चलाते हैं उनकी कार को हमने एक कार को ब्लास्ट कर दिया है और उसको आप लोग देख सकते हो भाई वो ना इन सभी कार से कितनी ज्यादा दूर गई है। ये तो काफी ज्यादा अच्छा मिथ है एंड ये जो मिथ है ये मिथ भी कंफर्म्ड है। एंड आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना गाइस, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। तो हमारा छठा मिथ है अगर हम फोन एंड कार वाले ऑप्शन पर दोनों पर क्लिक करेंगे तो होगा मैजिक। तो चलो गाइस इन मिथ को भी ट्राई करते हैं। तो यहाँ पर हमारी कार भी आ चुकी है और अब भाई इसके साथ हमें फोन भी ओपन करना है एंड इसके अंदर भी हमें बैठना है। तो चलो गाइस क्लिक करते हैं और देखते हैं क्या होता है। तो गाइस यहाँ पर ना हमने भाई दोनों पर एक साथ क्लिक किया और यहाँ पर जो हमारा करेक्टर है वो कार के अंदर बैठ चुका है और कोई ज्यादा भाई खास मैजिक तो भी नहीं हुआ। ओ भाई साहब गाइस कैमरा एंगल चेंज करने के बाद आप लोग यहाँ पर देख सकते हो भाई हमारे करेक्टर के हाथ में ना फोन आ चुका है और वो फोन को लिए लिए भाई इस कार को चला रहा है एंड ये जो मिथ है ये मिथ भी कंफर्म्ड है। तो गाइस हमारा सातवां मिथ है सेटिंग में स्टेयरिंग करो फिर बाइक एंड कार में किसी में भी बैठो तो हमारी स्टेयरिंग आ जाएगी। तो चलो गाइस सबसे पहले ना हमें सेटिंग में जाना पड़ेगा एंड यहाँ से अब हमें करना पड़ेगा स्टेयरिंग। तो गाइस स्टेयरिंग हो चुकी है और अब करते हैं गेम को प्ले और देखते हैं गाइस अब हमारी भाई स्टेयरिंग आती है या फिर नहीं। एंड आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना भाई, जब तक गेम स्टार्ट हो रहा है हमारा तब तक सब्सक्राइब भी कर लो भाई और क्या ही करोगे। तो यहाँ पर ना भाई हम स्पॉन हो चुके हैं और ये खड़ी हमारी फॉर्च्यूनर और इसके अंदर बैठते हैं और देखते हैं गाइस स्टेयरिंग आती है या फिर नहीं। तो गाइस यहाँ पर जो हमारा करेक्टर वो इस कार के अंदर बैठ चुका है और भाई यहाँ पर ना हमारे गेम के अंदर भाई सच में स्टेयरिंग आ चुकी है। तो जहाँ पर टच था वहाँ पर ये स्टेयरिंग आ चुकी है। तो भाई मैं ना यूआई को ऑन कर लेता हूँ तभी आपको सभी को साफ साफ दिखाई देगा। तो अब देखो गाइस यहाँ पर ना अब आपको सही से दिख रहा होगा यहाँ पर स्टेयरिंग आ चुकी है। तो काफी भाई सही मिथ है, वैसे हमें तो नहीं पता था कि ऐसा करने से भाई यहाँ पर स्टेयरिंग आ जाएगी। तो मैं तो भाई पहली बार इसको ट्राई कर रहा हूँ। तो चलो गाइस ये मिथ भी कंफर्म्ड है। तो हमारा आठवां मिथ है आपको पहले जेसीबी स्पॉन करनी है और फिर जेसीबी के राइट विंडो पर आपको स्टिकी बॉम्ब फेंकते हुए आगे बढ़ना है। तो देखो मैजिक, चलो इसको ट्राई करते हैं। तो यहाँ पर हमने भाई सबसे पहले 667 से यहाँ पर जेसीबी को स्पॉन कर लिया है और चलो गाइस अब ना इसके ऊपर भाई स्टिकी बॉम्ब मारते हुए हमें अब आगे जाना है। तो गाइस यहाँ पर हमने स्टिकी बॉम्ब को तो मारना स्टार्ट कर दिया है और अब हमें आगे भी बढ़ना है। तो भाई बढ़ते बढ़ते ओ भाई साहब तो गाइस बढ़ते बढ़ते मैं ना भाई जेसीबी के ऊपर स्टिकी बॉम्ब फेंक रहा था और यहाँ पर भाई आप लोग देखो यार हमारा जो करेक्टर है भाई पता नहीं इसको क्या हो गया और ये इतनी ऊंचे जाकर नीचे आ रहा है। भाई कितनी ऊंचे भाई ये चला गया था और अब जाके भाई नीचे गिरा है। तो भाई इस मिथ को आप लोग जरूर ट्राई करना है, बहुत अच्छा मिथ है एंड आप देखना भाई आपका करेक्टर कितनी ऊपर जाता है एंड हो सकता है भाई आपको सारे मिथ समझ में आ गए होंगे। तो सभी मिथ को ट्राई करना और मजे लेना एंड वीडियो को भी लाइक कर दो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो भाई ताकि हमें भी मजा आ जाए। और ये जो स्क्रीन पर वीडियो देखने वाली इसे भी देख लेना भाई, काफी ज्यादा अच्छी वीडियो है तो वीडियो को देख लेना। ठीक है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।